तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, उठ चुका हूँ, अब फटाफट जाता हूँ रेडी होने के लिए। अब मैं वक्त से ऑफिस जाता हूँ, तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट तैयार होने जाते हैं, फिर तैयार होकर सीधे चलेंगे ऑफिस। तो गाइस हो चुका हूँ रेडी, बस चाय पीना है, सीधे ऑफिस निकलना है, तो चलिए फटाफट, अब देर नहीं करते। आज तो खैर बारिश भी नहीं है, आज तो धूप है, तब और देर नहीं करेंगे, अब सीधे चलेंगे ऑफिस, हम टाइम पे काम करेंगे। गाइस राइट नाउ आई एम ऑन द वे, रास्ते में हूँ फटाफट। आज तो मौसम एकदम पूरा धूप की है, वो बहुत गर्मी है, आराम से ऑफिस जाएंगे, टाइम पे देरी नहीं हुआ, फटाक से ऑफिस जाएंगे, पंच करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे। आज एक रिटेल भी करना है, तो कोई दिक्कत है नहीं, देखते हैं कैसे, एक दो बुकिंग और अगर आ जाती है तो फिर टारगेट भी पूरा हो जाएगा इस मंथ का। तो चलिए गाइस सीधे अब चलते हैं ऑफिस। गाइस आ चुका हूँ एकदम टाइम पे ऑफिस, देखिए क्या होता है, लाइट वगैरह सब है, आज तो लाइट नहीं कटा है। तो चलिए चलते हैं, पंच मार के दिन की करते हैं शुरुआत। चलिए फटाफट करते हैं पंच, दिन की करते हैं शुरुआत। गाइस एक हेक्टर डिलीवर्ड होने वाली है, बस उसको डिलीवर करके सीधे चलेंगे घर, तो बस वेट कर रहे हैं, जब वो डिलीवर्ड हो जाए तो फिर उसके बाद घर चलेंगे, क्योंकि शाम तो हो ही चुका है, एक ही काम था आज, एक रिटेल भी कर लिया, एक डिलीवरी होने वाली है, बस उसको डिलीवरी करके चलते हैं सीधे घर। ओके, बस कुछ ही मिनटों में हो जाएगी डिलीवरी, तो चलिए डिलीवरी करेंगे सीधे चलेंगे घर। गाइस छुट्टी का वक्त हो चुका है, फाइनली गाड़ी भी डिलीवर्ड हो चुकी है, तो फटाफट अब पंच करेंगे और सीधे चलेंगे घर, क्योंकि बहुत रात हो चुका है, तो अब पंच करेंगे, वेलकम, हम निकलेंगे सीधे घर, क्योंकि डिलीवरी होते होते भी बहुत वक्त लग गया, तो चलिए फटाफट पंच कर दिया है, अब सीधे घर चलते हैं, घर चलते क्योंकि गाड़ी भी ड्राइव करनी है, तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, घर चलेंगे। और गाइस अभी तो रास्ते में हूँ, जिस जगह काफ़ी धूल उड़ा करती थी, बहुत ही गर्दा हुआ करता था, कार में तो पता नहीं चलता, लेकिन बाइक में ना हालत ख़राब हो जाता, सच बता रहा हूँ भाई, बाइक में ना गाइस एकदम, मतलब कभी आंखों में आपके लगेगा, चेहरा तो पूरा काला हो ही जाता है, वैसे काला का काला तो मैं पहले से हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या चेहरा पूरा ही काला हो जाता है, एकदम अजीब सा पूरा ना इरिटेशन आपको फील होने लगेगा। तो चलिए कार का थोड़ा मजा ले लेते हैं, थोड़ा आनंद उठा लेते हैं, कुछ सुविधा ले लेते हैं, चलते हैं आराम से घर। और गाइस नाइट ड्राइविंग का मजा ही कुछ और है, अगर आपको रास्ता क्लियर मिले तो, वैसे रात में रास्ता क्लियर ही मिलता है, रात में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन होता क्या ना, बहुत बार आप देख, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सामने की जो लाइट से ना, जब कोई भी गाड़ी आती है तो आंखों में पड़ती है, किसी को मतलब यहाँ तक नियम पता नहीं कि जब भी आप किसी गाड़ी के, आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है, आप अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो लाइट को थोड़ा डिम कर दे, लेकिन नहीं, ये लोग एकदम हाई बीम पे ही चलते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जाए इन लोगों को, और लाइट से ना जो आंखों पे पड़ती है। खैर चलो जो जैसा चला रहे अपना आराम से चला के घर जाना दोस्तों, तो चलिए अब घर जाके ही बात करते हैं, क्योंकि अब पहुंचने ही वाले हैं लगभग, चलिए। तो गाइस घर आ चुका हूँ और सोनू भी आज मेरे साथ है, सोनू द टाइगर, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर सोमवारी, इसलिए आरती लेने के लिए, पहले आरती ले लेते हैं फिर बात करते हैं। आरती ले ली है, पंडित जी जा रहे हैं मंदिर वापस, मंदिर के गेट पे हम लोग ने आरती ले ली, चलिए बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया, जय भोलेनाथ। तो गाइस हो चुकी है काफ़ी रात, सोने का वक्त हो चुका है, नींद भी आ रही है, 12 से भी ज़्यादा बज चुके हैं, तो चलिए फटाफट जाते हैं सोने के लिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।